class. In the previous class, we had studied about the chapter 5, solid liquids and gases. Today I am discuss about the exercise of chapter 5. Look at on the page number 50. Open your book, page number 50. Open your book, look at on the page number 50. Question number 1, choose the correct answer. Choose the correct answer. One is, on heating, water changes into. Heat करने पर water किसमें change हो जाता है. Choose the correct answer देखते हैं. Choose the correct answer. Choose the correct answer. One is, on heating, water changes into. Heat करने पर वाटर किसमें चेंज करता है? वेपर. ऑप्शन नंबर बी इज वेपर. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड. हाउ प्रोसेस जिससे हम वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, सॉरी चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर के वेपर को हम वाटर में चेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. थर्ड इज ए आइस क्यूब चेंजेस इनटू वाटर, बर्फ जो है वाटर में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. This process is called melting. Fourth is, water on heating and cooling changes its. Water को heat करने पर और ठंडा करने पर ये change करता है ना, क्या इसके state change होते हैं? Solid से liquid में होता था, liquid से सॉलिड पर, गर्म करने पर सॉलिड से लिक्विड, तो इसका सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो गया और ठंडा करने पर लिक्विड से सॉलिड हो गया, ये क्या चेंज करता है स्टेट? आई होप यू अंडरस्टैंड. सी द पेज नंबर 15, वर्ड मीनिंग. वर्ड की टर्म्स, वर्ड मीनिंग. राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक एंड डू इट इन योर बुक. फर्स्ट वर्ड इज सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड? स्टेट ऑफ सब्सटेंस विथ डिफिनेट शेप एंड साइज. सब्सटेंस का वह स्टेट जो जिसकी शेप और साइज डिफिनेट होती है वो सॉलिड होता है. सेकेंड वर्ड इज लिक्विड. मीनिंग इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच हैज नो डिफिनेट शेप. सब्सटेंस का वह स्टेट जिसकी कोई डिफिनेट शेप नहीं होती है. थर्ड वर्ड इज गैस. स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच हैज नो शेप एंड साइज. सब्सटेंस का वह स्टेट जिसकी कोई भी शेप साइज नहीं होती है. फोर्थ इज इवेपोरेशन. प्रोसेस थ्रू विच ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू ए गैस ऑन हीटिंग. वह प्रोसेस जो लिक्विड कन्वर्ट करता है इनटू ए गैस, लिक्विड से कन्वर्ट में चेंज हो जाता है हीट करने पर, उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस थ्रू विच ए गैस चेंजेस इनटू ए लिक्विड. वह प्रोसेस जिसके द्वारा गैस जो है किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में. नेक्स्ट मेल्टिंग. चेंजेस ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग. सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है गर्म करने पर, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रीजिंग. चेंजेस ऑफ ए लिक्विड इंटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग. लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाता है ठंडा करने पर, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग. दिस वर्ड मीनिंग इज राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट एंड चूज द करेक्ट आंसर इज डू इट इन योर बुक सी फ्रॉम द बोर्ड. टर्न योर पेज नंबर 51. लुक एट ऑन द पेज नंबर 51 एंड fill in your book, page number 51.
यानी लिक्विड। गैस फ्लोज मोर रैपिडली देन लिक्विड, मतलब गैस बहुत तेजी से फ्लो करता है लिक्विड की तुलना में। थर्ड इज वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग, वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। वाटर जो है बर्फ में कैसे चेंज होता है, जब उसे ठंडा करते हैं कूलिंग। फोर्थ इज ड्यूरिंग कंडेंसेशन ए गैस चेंजेस इन लिक्विड ऑन कूलिंग, कंडेंसेशन के दौरान गैस जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में ठंडा करने पर, कंडेंसेशन। फिफ्थ इज वेपर इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का गैसियस फॉर्म है वेपर। गुड इन योर बुक, ओके। क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स इज डन, डू इट इन योर बुक। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट है उसे आपको सर्कल करना है। सेकेंड इज क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट वर्ड, सेकेंड इज सर्कल द करेक्ट वर्ड, सर्कल द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज इज सॉलिड और लिक्विड डज नॉट हैव डिफरेंट शेप, किसका डिफरेंट शेप नहीं होता लिक्विड का, तो लिक्विड को आप सर्कल करेंगे और सॉलिड को आप कट कर देंगे। सेकेंड इज वाटर और एयर इज फिल्ड इन डायर, वाटर एंड एयर है ना, वाटर को आप छोड़ेंगे सिर्फ आप एयर को सर्कल करेंगे। एयर इज फिल्ड इन टायर, टायर में एयर बनी होती है। थर्ड इज वाटर फ्रीजेस और मेल्ट्स टू फ्रॉम टू फॉर्म आइस, आइस बनने के लिए वाटर को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो आप फ्रीज को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ओके। और फोर्थ इज ए गैस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग और कूलिंग, गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं कैसे, हीट करने पर या कूल करने पर, तो कूलिंग, कूल करने पर ही चेंज करते हैं गैस को हम लिक्विड में, तो आप कूलिंग पर सर्कल करेंगे। फिफ्थ इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन या फिर इवेपोरेशन, वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। फिफ्थ इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ओके। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट, डू इट इन योर बुक, सी फ्रॉम द बोर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, लुक एट ऑन द पेज नंबर 52, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। सेकेंड इज लिक्विड, लिक्विड को आप मैच करेंगे ऑयल से, ऑयल क्या है, लिक्विड है, ई पेज नंबर
थर्ड इज मैच द फॉलोइंग। वन को आप किससे मैच करेंगे? सॉलिड को आप मैच करेंगे बी से। सॉलिड का डिफरेंट शेप होता है। सेकंड इज लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को आप मैच करेंगे ई से, ऑयल से। ऑयल क्या है? लिक्विड है। थर्ड इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को आप किससे मैच करेंगे? डी से। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। वाटर से आइस का फॉर्मेशन फ्रीजिंग से बनता है। फोर्थ इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को आप किससे मैच करोगे? इवेपोरेशन सी, चेंज ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर बनना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। फिफ्थ इज गैस। गैस को आप किससे मैच करोगे? फ्लो रैपिडली ए से। ठीक है, फ्लोज रैपिडली। गैस जो होता है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है। ओके, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज डू इन योर बुक। पेज नंबर 50 चूज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 51 फिल इन द ब्लैंक्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। पेज नंबर 52 मैच द फॉलोइंग। मैच इट। ऑप्शन नंबर 1 इज मैच विद बी। बी इज मैच इट ई। थर्ड इज मैच द डी। फोर्थ इज मैच द सी। एंड फिफ्थ इज मैच द ए। That's it. Do it in your book and write the word meaning in your copy of this chapter. In the next video, I will teach you put the odd one out giving reason, give short answer and differentiate between the following. Okay?